टाइम मेमोरी में अब आपकी सेव रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वर्ड। एंड यस, वन मोर थिंग, ये जितने भी सेंटेंस होते हैं ये आपके एडिटोरियल के एक्चुअली सेंटेंस होते हैं जो आपके एडिटोरियल्स में आते हैं। ठीक है, मैं उन्हीं को उठाती हूँ, उन्हीं के से ही वर्ड लेती हूँ, जिससे कि सब कुछ आपको को रिलेट हो जाए। अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगी ये चीज़। ठीक है, अंडरमाइन, टू वीकन ऑन, रुइन बाय डिग्रीज। रुइन मतलब होता है बर्बाद कर देना, राइट? तो खराब, या तो कम करना या तो बिल्कुल बर्बाद कर देना डिग्रीज के। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बर्बाद करना और कम करने में क्या हो जाएगा? रिड्यूस, डिमिनिश, इम्पीड। इम्पीड मतलब क्या होता है? रुकावट किसी के, हिंडर, ख़त्म कर देना। डिस्ट्रॉय भी आ सकता है, राइट? डिस्ट्रॉय भी आ सकता है। सो इस इमेज को सबसे पहले देखिए आप, ये क्या हो रहा है? सबसे पहले बड़ी, फिर छोटी 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 छोटी, और ये इतनी सी रह गई है, राइट? तो दिस इज डिमिनिशिंग, राइट? ऐसे हो रहा है, ये स्लोप ऐसे जा रहा है हमारा। क्या है ये? डाउनवर्ड स्लोप है। सो अब डिमिनिश हो गया, डिमिनिश मतलब रिड्यूस करना, ये सब चीज़ें हो गई ना हमारी। तो अब अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँगी तो क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली अगर आपको कोई रिड्यूस कर रहा है तो एक बंदा तो होगा जो आपको अनाउंस भी करेगा। सो वो आप उस बंदे का क्या हो जाएगा? एंटोनिम हो जाएगा। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? सपोर्ट करना, एनहांस करना, इम्प्रूव, स्ट्रेंथन, राइट? तो एग्जाम्पल देखिए जरा, डिथरिंग ऑन टेस्टिंग। डिथरिंग का हम लोगों ने कल मतलब समझा था, क्या था? ऑन टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग विल इनएविटेबली लीड टू अनकंट्रोल्ड स्प्रेड। तो वो बेसिकली यही बोल रहा था कि जो डिथरिंग थी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, आइसोलेटिंग एंड ट्रीटिंग में, वो ना चाहते हुए भी क्या कर रही है? अनकंट्रोल्ड स्प्रेड कर रही है, मतलब स्प्रेड क्यों, जो फैलना किसी चीज़ का। और अनकंट्रोल मतलब जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो क्या कर रही है? लेड मतलब क्या हो जाएगा? बढ़ाना। एंड इंक्रीज डेथ, अंडरमाइनिंग एफर्ट्स टू कंटेन द, अंडरमाइनिंग मतलब हमारे जो एफर्ट्स हैं उनको कम कर रही है कि हम किसको, पेंडेमिक को कंटेन कर पाए। आई होप दिस इज क्लियर। तो वो बेसिकली यही बोलना चाह रहा है, ये जो फालतू की जो रिड्यूस कर रहे हैं हम टेक्स्ट, ये टेस्टिंग वगैरह, इससे क्या हो रहा है? हमारा जो स्प्रेड है वो बढ़ रहा है ख़त्म होने की जगह, राइट? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए अगला वर्ड देखते हैं जरा, स्टिमी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है? स्टिमी मतलब क्या होता है? टू प्रेजेंट एन ऑब्स्टेकल टू। मान लीजिए आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, यहाँ देखिए पिताजी खड़े, और यहाँ से अब आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। क्यों? पिताजी खड़े। सो पिताजी यहाँ पे क्या एज अ कैसे वर्क कर रहे हैं? यहाँ ऑब्स्टेकल की तरह वर्क कर रहे हैं। सो प्रेजेंट एन ऑब्स्टेकल टू, या स्टैंड इन अ वे, आप रास्ते में खड़े हैं, ठीक है? सिनोनिम क्या हो जाएंगे? प्रिवेंट, स्टॉप करना, हैम्पर करना। हैम्पर का मतलब देखो यही होता है, जैसे ये आपके रास्ते को यहाँ पे हैम्पर कर दिया, दैट मीन्स स्टॉप कर दिया। इम्पीड अभी पढ़ा था हमने, हिंडर सेम चीज़ हो गई। तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे इसके? एड। अब जब किसी को प्रिवेंट कर रहे हो, और यहाँ से पिताजी अगर हट गए, मम्मी जी ले गई उठाकर, तो अब क्या आपके लिए रास्ता खुला है, तो मतलब क्या हो गया? आप अब जा सकते हो आगे। तो एड, असिस्ट, फैसिलिटेट एंड हेल्प। सिमेज को देखियो, ये घूसा मारने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है? एग्जाम्पल, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, आपने सुना होगा ना, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स विद द लार्जेस्ट वे इन द इंडेक्स, विद द लार्जेस्ट वेट इन द इंडेक्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग 28%। तो रिफाइनरी प्रोडक्ट है जिनका बहुत ज़्यादा वेट होता है, वो इंडेक्स में हमारा कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है? 28%। कॉन्ट्रैक्टेड, अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, कितने हो गए? 21.3%। एज द कर्ब्स मतलब कम होना, ऑन वहीकुलर मूवमेंट, कर्ब मतलब रुकावट बेसिकली। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल्स हैं उनकी मूवमेंट हमारी स्टिमीड हो चुकी है। हाँ, इसका एक थर्ड वर्ड मैं बताना भूल गई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वर्ड मैं पहले भी आपको समझाया, अगर आप लोग स्टार्टिंग से अगर वोकैब को लाइक देखते आ रहे हो मेरी, तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारे वर्ड रिपीट होते हैं। व्हीकुलर मूवमेंट, स्टीमीड, डिमांड फॉर ऑटोमोबाइल्स। उन्होंने क्या करा? ऑटोमोबाइल की डिमांड को कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से व्हीकल्स की मूवमेंट नहीं हो रही। अगर व्हीकल्स की मूवमेंट नहीं होगी तो पेट्रोल खर्च नहीं होगा, पेट्रोल खर्च नहीं होगा, गाड़ियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो इन सब की वजह से क्या है, जो हमारा कंट्रीब्यूशन था वो पहले से क्या हो गया? अब कम हो गया है। तो स्टिमीड मतलब फिर क्या हो गया? हमारा रोक दिया गया है किसको? डिमांड ऑफ ऑटोमोबाइल फ्यूल्स। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जरा अगला वर्ड देख लेते हैं, स्लम। इसको स्लम इस वाले से कंफ्यूज मत करना। इस स्लम का मतलब होता है झुग्गी झोपड़ी, स्लम एरियाज होते हैं, पता होगा। मुंबई में एक चौल है, क्या नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। वहाँ पे कोरोना वायरस भी काफ़ी ज़्यादा फैला था, बहुत बड़ी चाल है, दिमाग से मेरे बिल्कुल उतर गई है, ठीक है?
जैसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग झुग्गी झोपड़ी बोलते हैं तो वहाँ पे चौल बोलते हैं। कहाँ? इधर महाराष्ट्र में। स्लम प है, यहाँ पे पी एड ओवर हो गया है। ठीक है, तो ये पी क्या बता रहा है? मैं प्रेजेंट हूँ। यहाँ पे क्या मतलब हो गया? टू फॉल और सिंक सडनली, ऐसे ये रिड्यूस हो रहा है। आप देख रहे हो ये क्या रिड्यूस हो रहा है, आप स्टॉक मार्केट लगा लो। ठीक है, सो डिक्लाइन, वर्सन, डिक्रीज, डिप्रेशन, रिसेशन, जो चल रहा था। डिप्रेशन लोगों को हो जाता है, डिक्रीज करना पता ही है, वर्सन बर्बाद कर देना, डिक्लाइन रिड्यूस होना। एंटरिम क्या हो जाएगा? बूम हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। एग्जाम्पल देखो जरा, स्टील एंड सीमेंट वर द वर्स्ट हिट। तो वो यही बोलना है कि स्टील और सीमेंट वर्स्ट हिट हुए हैं, सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। क्यों? बिकॉज लेबर नहीं है। ठीक है, लेबर क्या है, अपने घर गांव चली गई है। अब गांव चले गए तो घर तो बन नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि लॉकडाउन था। तो वो यही बोलना चाह रहा है कि स्टील एंड सीमेंट सबसे ज़्यादा क्या हुआ, वर्स्ट हिट, सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं। स्लमिंग, स्लमिंग मतलब रिड्यूस, 48.4% एंड 22.8%। स्टील इतना रिड्यूस हुआ है, सीमेंट इतना रिड्यूस हुआ है, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब जिस ऑर्डर में सबसे पहले लिखा था उसी ऑर्डर में बाद में भी लिखा है। तो सबसे पहले स्टील लिखा था तो ये स्टील का है, सीमेंट लिखा था तो ये सीमेंट का है। एज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स रिमेन मोस्टली स्टॉल्ड। सो बेसिकली ये बोला है कि कंस्ट्रक्शन एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो रिमेन मोस्टली क्या है, स्टॉल्ड, मतलब रुके हुए हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगला वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ बता दिया गलती से, चलो दोबारा सीख लो। स्टॉल मतलब क्या होता है? ये वो खाने पीने के स्टॉल नहीं है कि चाउमीन खरीद ली, ये गोलगप्पे खरीद ली। ये स्टॉल का मतलब है केम टू अ स्टैंड स्टिल, स्टेशनरी, स्टैटिक। ठीक है, टू केम टू अ स्टैंड स्टिल, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? चेक करना, स्टॉप करना, रुक जाना। हॉल्ट, मैंने बताया था हॉल्ट जनरली हम किसके सेंस में यूज़ करते हैं? ट्रेन के लिए यूज़ करते हैं। पूछा जाता, देखा जाता है ना, लोगों ने देखा होगा, जैसे आपने जब आप जैसे आपने ट्रेन की टिकट बुक कराई, मान लीजिए कोलकाता से आपने आगरा की टिकट, सब सबसे पहले ये चेक करते हो। जो हिंदी में है तो वो तो स्टेशन बोलते हैं जनरली, कि कहाँ कहाँ रुक रही है। जनरली जो थोड़ा पढ़े लिखे हैं वो यही बोलते हैं, इसके हॉल्ट देखो कितने हैं। हॉल्ट मतलब उसके स्टॉपेज कितने हैं। रिस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना तो पता ही आप लोगों को, मैं उसका एग्जाम्पल दे के समझाऊंगी नहीं, वरना फिर आप हंसते हंसते पागल हो जाओगे। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? कैरी ऑन, चालू रखना, कंटिन्यू, ये चालू रखना, वो चालू आदमी नहीं है। कंटिन्यू, फॉलो थ्रू विद, कीप ऑन, कीप अप, परसिस्ट एंड रन ऑन। ठीक है, कीप के साथ मैंने यहाँ पे ऑन क्यों दिया है? क्योंकि कीप के साथ ऑन ही यूज़ होने वाला है, यहाँ पे कीप अप ही यूज़ होता है, रन ऑन ही यूज़ होता है, फॉलो थॉरो विद ही यूज़ होगा। क्लियर? स्टील एंड सीमेंट वो दी वर्स्ट इट। अच्छा, अभी हम लोगों ने समझ लिया था, इसको देख रहे हो चश्मा पहन के बोल रहा बेटा, रुक जाओ। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अगला देखते हैं जरा। बोर्ड वेल, बोर्ड वेल का मतलब देखो क्या होता है? जब फ्यूचर प्रिडिक्ट करने होता है तो ऐसा होता है ना, जैसे जनरली आपने सुना होगा ना, मम्मी लोगों का होता है ना, सुबह जैसे आपने कोई बदतमीजी करी तो बोलती है बेटा आज तेरी क्या मतलब, आज तेरी खाल खुजली मांग रही है, मतलब आज तू तो पिटने वाला है। तो उन्होंने क्या फ्यूचर आपको इंडिकेट कर दिया कि आज तो बेटा तुम पिटने वाले हो, सुतने वाले हो। सो टू बी अ गुड और बेड साइन फॉर द फ्यूचर, तो वो अब ये वाला तो अच्छा साइन ही हो गया। ठीक है, ऑगर भी करना होता है, प्रिडिक्ट करना ही होता है बेसिकली, ऑगर वेल यूज़ करते हैं हम, ऑगर वेल। इंडिकेट करना, इंडिकेट करा गया कि आज तो तुम बेटा बच के रह लो वरना तो मिटोगे। पॉटेंट, ठीक है, अ गुड आउटकम। तो जनरली ऐसा नहीं, छोटे बच्चे होते हैं जिस दिन उनके पापा की छुट्टी होती है तो ऐसे ही बोला जाता है ना, तो बेटा आज ज़रा शांत रहना, आज पापा की छुट्टी है वरना तुम पिट जाओगे। तो वो बेसिकली वही इंडिकेशन हो जाती है कि आज खटते की घंटी आपके सर पर लटका रही है, लटक रही है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? अ प्रॉमिसिंग एंड अर्ली स्टार्ट टू दिस ईयर्स मानसून। प्रॉमिसिंग मतलब जो प्रॉमिस करे जाते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा या छोड़ के नहीं जाऊंगी। एंड अर्ली मतलब पहले से स्टार्ट करना मानसून का। बोर्ड्स वेल मतलब अच्छे साइन दे रहा है फ्यूचर के लिए, या फिर बुरे साइन दे रहा है फॉर द क्रूशियल फॉर्म इनकम डिपेंडेंट रूरल इकोनॉमी। तो वो बेसिकली ये बोल रहा है कि वो साइन दे रहा है किसके लिए, जो इनकम डिपेंडेंट है रूरल इकोनॉमी के, किस पे? फार्मिंग पे, एग्रीकल्चर पे। आप देख रहे हैं ऐसा, आपने देखा होगा ना, ये ज्योतिष वगैरह ऐसा कुछ करते हैं, ऐसे रख लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फ्यूचर बताने वाला हूँ। जिसको खुद का फ्यूचर नहीं पता वो आपका क्या बताएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं वर्ड। अगला वर्ड है अपना स्पर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। स्पर का मतलब क्या होता है? देखो
अ फैक्ट और इवन दैट मेक्स यू ट्राई हार्डर टू डू समथिंग. जब आप जी जान लगा देते हो किसी को चीज को पाने के लिए या फिर अचीव करने के लिए, सो दैट इज स्पर. स्टिमुलेट करना, एनकरेज करना, मोटिवेट करना. एक अंकल को देखिए, ये दूसरे अंकल को मोटिवेट कर रहे हैं, तुम बेटा करो मैं तुम्हारे साथ हूँ. ठीक है, मोटिवेट करना, बूस्ट करना. ठीक है, एनकरेजमेंट गुड इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पिटस इंपॉर्टेंट वर्ड है, इम्पल्स इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंसेंसिटिव इंपॉर्टेंट वर्ड है, टर्न ऑन इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, टर्न के साथ यहाँ पे ऑन लगा है तो ये ऐसे ही यूज़ होगा. जब मैं अगर किसी को एनकरेज करने की बात करूँगी, किसी को मोटिवेट करने की बात करूँगी, किसी को एक्टिव करने की बात करूँगी, तो उसके साथ टर्न के साथ ऑन लगेगा, अप ऑफ वगैरह नहीं लगेगा. टर्न ऑफ का तो, टर्न ऑफ का मतलब तो ख़त्म हो जाना होता है ना, बोलते हैं ना टर्न ऑफ द लाइट, तो लाइट को बंद कर दो. टर्न ऑन का मतलब उसको खोल दो, एक्टिवेट कर दो. सो एंटोनिम देख लेते हैं उसके. ब्लॉक, डेटरेंट, डेटरेंट पता ही आप लोगों को क्या होता है, रुकावट. डिस्करेजमेंट, किसी को डिस्करेज करना. हिंड्रेंस, फिर रुकावट आ गई. प्रिवेंशन एंड कर्व, कर्व तो अभी बताया था मैंने आपको, अभी बताया था लास्ट, हमने कहाँ देखा था, ये रहा कर्व ऑन व्हीकुलर मतलब रुकावट. आई होप इस आपको सेंटेंस के साथ भी क्लियर हो गया है. ठीक है, सो एंटरिम ब्लॉक, अच्छा ये तो हो गए हमारे. सो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. द अबव एवरेज क्वांटिटी एंड इम्प्रूव स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन जून. सो बोला अबव एवरेज क्वांटिटी एंड इम्प्रूव्ड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, रेनफॉल का, इन जून हैव स्पर्ड, मतलब उसने क्या करा है, इंकरेज करा है, अ शार्प जंप मतलब बढ़ाया है, एक शार्प जंप इन खरीफ सोइंग, खरीफ की जो क्रॉप होती है उनमें एक शार्प जंप देखने को मिला है, हमें एक इंक्रीज देखने को मिला. विद द एरिया सोन एज ऑन जून 26 मोर देन डबलिंग कंपेयर्ड विद द दिस. सो जो 26 जून को एरिया सो हुआ था वो कितना था, डबल था कंपेयर टू अलियर टू इतना. ठीक है, तो कितना रहा होगा, 651.2 होप लैक एक्टिव. आई होप दिस इज क्लियर. चलो अगला वर्ड देख लेते हैं जरा. अगला वर्ड है टीयर अवे. उससे पहले चिंकी भाई को देखो, इसके लिए चिंकी भाई तो इसको कोरोना भाई बोल देना चाहिए, वायरस कंट्री, ये सब कुछ फैलाते हैं पीस के अलावा. टीयर अवे, टीयर अवे बोल मतलब ये टीयर आपके वो आंसू नहीं है जो छोड़ के चला जाता है, कोई तो रोया जाता है, ये वो टीयर अवे नहीं है. यहाँ है रिमूव करना किसी चीज़ को रिलक्टेंटली, रेकलेस, वाइल्ड, अनकंट्रोल वे ऑफ बिहेवियर. वैसे वो भी आप लगा लो टीयर अवे, जब कंट्रोल नहीं कर पाते हो तो फूटना, रो फूट फूट के रोते हैं ना. सो दिस इज आपका, ये क्या आपका फ्रेज है एक. सो फ्रेज में ना तो सिनोनिम होते हैं ना तो एंटोनिम होते हैं, तो इसलिए जब भी मैं फ्रेज यूज़ करूँगी, जैसे बोर्ड वेल मैंने आपका फ्रेज यूज़ करा था, उसमें ना तो मैंने आपको सिनोनिम दिए ना एंटोनिम दिए, बिकॉज वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम होते हैं, फ्रेजेस के सिनोनिम एंटोनिम नहीं होते हैं. सिमिलरली ईडियम के भी सिनोनिम एंटोनिम नहीं होते हैं, एक मतलब होता है, दैट इज़ फुल एंड फाइनल. ठीक है, सो पॉलिसी मेकर मस्ट नॉट ओनली कंटेन COVID-19 टीयर अवे स्प्रेड. सो पॉलिसी मेकर को सिर्फ कंटेन नहीं करना चाहिए COVID-19 टीयर अवे स्प्रेड, मतलब जो अपने आप से बढ़े जा रहा है, बट ऑल्सो साइमल्टेनियसली टीयर अवे मतलब उसको ख़त्म, सिर्फ उसी को ख़त्म करने के लिए हमें नहीं देखना चाहिए, बस हमें अपनी इकोनॉमिक मोमेंटम फ्रॉम स्लाइडिंग फर्दर, हमें क्या करना चाहिए, अपनी इकोनॉमिक मूवमेंट को भी देखना चाहिए कि अब कैसे आगे हमें लेके बढ़ना है, जिस वायरस ने हमारी ऐसी तैसी मार रखी है. इमेज को देखिए जरा, रिमूव चाइनीज ऐप, तो टीयर अवे मतलब क्या हो गया, रिमूव करना. ठीक है, रिमूव. अच्छा मुझे बताइएगा आप लोगों में से कितने लोग यूज़ करते थे ये टिकटॉक और जो भी आता है, मुझे टिकटॉक और जितने भी इन्होंने 59 ऐप्स बैन करें. एंड डू यू गाइज वॉन्ट कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए, इफ़ यू गाइज वॉन्ट दैट, कि इसके आप मतलब सबके तो नहीं बट आपके कुछ इंडियन रिप्लेसमेंट है, इंडियन या फॉरन रिप्लेसमेंट है इन ऐप्स के. सो इफ़ यू वॉन्ट कि मैं वो आप सबको बताऊं, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट थ्रेड में बताइएगा, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी, सो दैट आपको उसके रिप्लेसमेंट पता चल जाए. जैसे अब टिकटॉक का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है वो सब उस वीडियो में आपको बताया जाएगा, अभी नहीं, तो वो सीक्रेट है थोड़ा. ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं. अगला वर्ड है, अच्छा किसको ये पसंद है आदमी, मुझे ये भी बताना. प्यूराइल, प्यूराइल का मतलब होता है जुवेनाइल. अच्छा आपने जुवेनाइल कोड देखा है, जब वो 2012 का था, हाँ 2012 का जो भी केस था वो उसका निर्भया वाला, तो उसमें रेप केस जो था निर्भया वाला, उसमें था ना जुवेनाइल जिसको सजा नहीं हुई थी. सो जुवेनाइल होता है जो एक बच्चा होता है, उसके लिए हम, वो बच्चा तो नहीं था खैर, तो हैवान टाइप का आदमी था,
18 से कम हो गया तो उसको जुवेनाइल केस में हम यूज़ कर लेते हैं। एडोलेसेंट भी आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा। सिनोनिम क्या हो जाएगा? चाइल्डिश, इमेच्योर, सिली, फूलिश, एडोलेसेंट, बेबीश। इमेच्योर, एडोलेसेंट वो इंसान होता है ना तो बड़ा ही हुआ होता है ना तो बिल्कुल ही छोटा होता है, वो बीच में लटका हुआ होता है जैसे ये आदमी लटका हुआ है। इमेच्योर, इन्फेंटाइल, जी जून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुवेनाइल, किडिश। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम वो हो जाएगा जो आप और मैं हैं, एडल्ट, ग्रोन अप एंड मैच्योर। एग्जाम्पल, डिस्पाइट प्राइवेसी इशूज विद मैनी ऐप। देखिए डिस्पाइट होता है एक इंस्टीड होता है, इन दोनों का मतलब डिफरेंट होता है। डिस्पाइट के साथ जनरली आपका एरर में ऑफ लगा के दे दिया जाता है जो बिल्कुल की गलत है। इंस्टीड के साथ ऑफ लगता है, इंस्टीड ऑफ दिस, ठीक है। इसके अलावा डिस्पाइट होता है के बावजूद, बावजूद, ठीक है। डिस्पाइट प्राइवेसी इशू विद मैनी एप्स, प्राइवेसी इशू होने के बावजूद मैनी एप्स के साथ लिंकिंग नेम टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न इज प्यूराइल, और उनको नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के साथ अगर हम लिंक कर रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है। प्यूराइल मतलब चाइल्डिश बिहेवियर है। आई होप दिस इज क्लियर। इस इमेज को देखिए, सबसे पहले ये आदमी क्या है, यहाँ बैठा और यहाँ से कर रहा है, तो इस मूर्ख को ये नहीं पता अगर ये कट जाएगा तो ये नीचे जाएगा धड़ाम से, नहीं बट ये इंटेलिजेंट है, ठीक है। लीडर है ही हमारे, पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही होते हैं वो, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। थैंक यू गाइस। पहले सब्सक्राइब होता है फिर थैंक यू आता है, क्योंकि आप पहले सब्सक्राइब करोगे फिर मैं आपको थैंक यू बोलूँगी। लाइक द वीडियो, कॉमेंट कि आप लोगों को कैसे लेक्चर लग रहा है, एंड वॉट यू वॉन्ट कि आप लोगों को और क्या क्या चाहिए, आई मीन किस टाइप के लेक्चर्स और चाहिए, सो दैट वी कैन अरेंज देम फॉर यू। आप लोग अपनी बस प्रिपरेशन करो, वी आर एट योर सर्विस 24/7। एंड लाइक प्लीज़, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, दैट्स ऑल।